क्लास थर्ड मैथ में हमने ये पोर्शन कर लिया था और आप लोगों ने सही करके भेजा है, बट थोड़ा सा इसको आप लोगों को ध्यान से देना है। फर्स्ट हम ये डिजिट लिखेंगे, उसके बाद ये डिजिट लिखेंगे, ठीक है। कुछ बच्चों ने इसके बाद इसको किया तो माइनस आपका रॉन्ग होगा ही होगा। तो जो हमारी सेकेंड डिजिट होती है उसको ऊपर सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद इसको लिखते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं एक्सरसाइज 5.2 में। अब उसमें क्या है, देखिए सब्सट्रैक्शन, ये भी आपके सिंपल सब्सट्रैक्शन है। देखिए हमने एक आपको करके दिया है, 5 में से 6 में से 5 को माइनस किया 1, यहाँ पे देखिए 0 है, तो सेम एज इट इज़ नोट करेंगे। अगर ऊपर 0 होता तो हम क्या करते हैं, 1 हम क्या करते हैं, बोरो करते, ठीक है। लेकिन नीचे 0 है तो हम कुछ भी बोरो नहीं करेंगे, डायरेक्ट माइनस करेंगे 5। फिर 2 में 1 तो 1, 9 में 7 तो आया 2, ठीक है। ये हमारा क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन में। सेकेंड वाला जैसे है, इसको हमने फर्स्ट आपको बुक में करना है, बाकी कॉपी में करना है सेकेंड और थर्ड। तो देखिए इस तरह से हमने नोट कर लिया। देखिए पहले हमने क्या कहा, 8746 लिखा है, उसके बाद हमने लिखा, अब इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। अब जैसे हम यह लगाते हैं तो सिंपल माइनस है आपका, 7 में 2 माइनस किया तो 7 के बाद 7 में है, 2 माइनस करेंगे तो 5 आ गया आंसर। 8 में 3, 8 में 1 2 3, 5, 6 में 4 2 2, सेम एज इट इज़ नोट डाउन कर दिया, ठीक है। इसी तरह से आप इसको कंप्लीट करेंगे। अब हम आते हैं थर्ड वाले पोर्शन में। थर्ड वाला पोर्शन भी सेम एज इट इज़ ऐसा ही है, आपको पहले ये लिखना है, वह 6356, फिर 5000, ये आपको करना है, इसको करना है। अब इसको नॉर्मल सब्सट्रैक्शन करना है। एक हम आपको करके बताते हैं, ये आपका देखिए सबसे 9 में 0, अगर ऊपर 0 होता तो हम बोरो करते, बट यहाँ पर नीचे 0 है तो हम एज इट इज़ 9 नोट करेंगे, यहाँ पर 1 नोट करेंगे, 7 रहेगा। अब 6 में 5 गया, 1 आंसर आया, ठीक है। तो सिंपल डिजिट है, आपको पता है कैसे ऊपर बोरो करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। सेकंड जो है वो सब्सट्रैक्शन है आपका 4 डिजिट का, ठीक है। ऊपर जो था आपका क्या था, ये आपका था। अब हम वापस से यहाँ पर आ रहे हैं, सब्सट्रैक्शन फॉलोइंग 4 डिजिट नंबर, सेम आपका है। अब आपको इसको सब्सट्रैक्शन ये आपको करना है बुक में, ठीक है। इसको भी आपको सब्सट्रैक्शन करना है, सिंपल करना है। अब यहाँ पे देखिए सब्सट्रैक्शन क्या है, ये तो सिंपल है, ये आपका बोरो वाला है, कैसे, लेकिन ऊपर 8 है नीचे 9 है, तो हम 9 डिजिट ये छोटी है ना, हमने यहाँ से 1 को बोरो किया, 18 हो गया, यहाँ क्रॉस करके 2 हो गया, ठीक है। अब 18 से 9 को माइनस करेंगे तो 9 के बाद 9 आया आंसर, और 3 ऊपर 2 है, यहाँ 0 है, तो सेम एज इट इज़ 2। अब यहाँ 7 है, यहाँ 9 है, 7 फिर से 0 है, तो यहाँ पर हमने 1 दिया, यहाँ हो गया 7, इसको क्रॉस करके कर दिया 8। तो अब 9 में 7 है, 9 के आगे 17 तक काउंट करो, 9 के बाद 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 8 आया आंसर, 8। अब यहाँ पर 8 को 1 माइनस किया, हमारा हो गया 7, ठीक है। अब इसी तरह से ये करेंगे, अब ये देखिए कैसे होगा हमारा, हम जैसे यहाँ पे 7 है, यहाँ पर क्या है 7 है, और यहाँ पे नीचे 8 है, तो हमने इसको किया, तो यहाँ 17 हुआ, इसको क्रॉस करा, यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। अगर इसमें आपको दिक्कत हो रही है तो एक कॉपी में नोट डाउन करिएगा, फिर आंसर करिएगा, ठीक है। अब हमने 8 से 7 को माइनस किया, तो 8 के बाद 8 के आगे 17 तक काउंट करो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 9 आंसर आ गया। 6 है, इधर 8 है, हमने यहाँ से एक बोरो किया, तो ये हमारा 6 हो गया, और यहाँ 1 हो गया, क्योंकि यहाँ पे 6 है और यहाँ 8 है ना। अब 8 से 6 करो, 8 के आगे 16 तक काउंट करो, 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 आ गया। फिर यहाँ पे 6 है और यहाँ 8 है, फिर से हमने इसको क्रॉस किया, यहाँ 6 हुआ, यहाँ 1 हुआ। अब अगेन हम माइनस करेंगे तो 8 आएगा आंसर। अब 6 से 6 गया, 0 आ गया, है ना इजी, बस कॉन्सेंट्रेट करना है, ठीक है।